केकड़ी के अंदर खनन व्यवसायी अशोक गौतम द्वारा आत्मदाह करने की जो कोशिश की गई और कई व्यक्तियों के नाम लिए गए, आत्मदाह के बाद उसको बचाने के लिए अजमेर के जैलन अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस आत्मदाह के पीछे, इस कोशिश के पीछे किन का हाथ है, बड़ा सोचनीय विषय है। आज इन परिस्थितियों के अंदर जिस तरह से उसने स्थानीय विधायक रघु शर्मा का नाम लिया कि रघु शर्मा के प्रेसरे में आके कई व्यक्ति उसको दबा रहे हैं, उसके कागज छीन रहे हैं, उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो ये बड़ा अफसोस का विषय है। आज इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यद्यपि रघु शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इसमें जो भी अपराधी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सोच का विषय यह है कि इस अपराध के पीछे उसकी क्या मंशा है कहने के पीछे रघु शर्मा की। क्योंकि अशोक गौतम ने जब अपना वक्तव्य दिया, आत्मदाह से पहले जो अपनी बात बताई, उसने सबसे पहले उसने ही कहा कि यहाँ जो व्यक्ति हैं, जो कहीं बिजनेसमैन हैं, जो मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको यहाँ के स्थानीय विधायक रघु शर्मा बचा रहे हैं। तो आज जिन परिस्थितियों में ये हो रहा है, जिन परिस्थितियों में केकड़ी में घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए। यदि राजस्थान सरकार या राजस्थान सरकार की पुलिस इस पर संज्ञान नहीं लेती है, तो निश्चित रूप से राजस्थान के कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और अपराधियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। आज अशोक गौतम जैसी स्थिति एक जने की नहीं है, सैकड़ों व्यक्तियों की स्थिति है। ज़मीनों को लेकर आज उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं केकड़ी में। जिला बनने की जब से घोषणा हुई, ज़मीनों पर कब्जे, ज़मीनों पर अवैध रूप से हथियाने की कोशिशें, ज़मीनों के उल्टे सुलटे कागज़ करने का एक गोरख धंधा जारी है। इस गोरख धंधे को तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए।